आप देख रहे हैं एसकेके न्यूज। नवरात्रि के आरंभ होते ही देवी भक्तों ने गांव का भ्रमण कर जन जागरण अभियान का आगाज किया, तो वहीं इस मौके पर राम लक्ष्मण जानकी की शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें कार्यक्रम का उद्देश्य विलुप्त हो रही भारतीय संस्कृति को बचाने व पश्चिमी सभ्यता से मुक्त होने का प्रयास किया गया। तो वहीं इसके चलते अभियान भी चलाया जा रहा है, साथ ही युवाओं में धर्म व राष्ट्रभक्ति की भावना का नवनिर्माण का प्रयास यहाँ हो रहा है। तो हम लोग भूल गए थे हमारा हिंदू नववर्ष कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है। सब लोग अंग्रेजों की 1 जनवरी को सब लोग न्यू हैप्पी न्यू ईयर कहने लगे और हिंदुओं के नववर्ष को शुभकामनाएं देना बंद कर दिए। उसी के लिए हिंदू जन जागरण मंच का गठन हुआ और लोगों ने जागरण फैलाने के लिए कि असली जो हिंदू हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनका नववर्ष आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, उसी का जागरण और लोगों को शुभकामनाएँ देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मथुरा के हाईवे क्षेत्र में बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं अस्पताल के पास बम की सूचना पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारी और निरोधक दस्ता पहुंच गया, जो जांच में जुट गया है। साथ ही बम जिस स्थान पर मिला वो आर्मी एरिया के पास का है। उसके बाद हमने तुरंत मौके पहुंच के एरिया का कॉर्डन कर लिया, उसके बाद उसको क्लियर करा के BDDS की टीम को बुला लिया गया है और वो टीम उसको लिफ्ट करके उसको सेफ डिस्पोजल के लिए रवाना हो गई है। तो किस प्रकार का बम है ये अभी आपको बाद में पता चल पाएगा। लखीमपुर के निगाहजन में मरीजों को जमीन पर लेटकर उनका उपचार किया जाता है, तो वहीं ऐसी लापरवाही अस्पतालों में किसी बेकसूर की संक्रमण के चलते जान भी ले सकती है। निगाहजन के सिंगई में फरदरिया में भीषण आग लगने से 100 मकान जलकर खाक हो गए, तो वहीं इस आग में लाखों का माल जलकर भी खाक हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सहारनपुर के देवबंद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बने महिला शौचालय का गेट टूट गया है, तो वहीं रेलवे अधिकारी इसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको ठीक कराने की अब रेल मंत्रालय से मांग की गई है। तीसवीं राज्य स्तरीय परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता में फैजाबाद मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए सुल्तानपुर की सोनाक्षी ने 3 स्वर्ण जीते, तो साथ ही सोनाक्षी ने एथलीट्स में 18 मंडल की टीम के खिलाड़ियों से इसको हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में शिक्षकों का भी योगदान खासा रहा। किस इवेंट में मिला है आपको गोल्ड मेडल? 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप। इसके लिए किसका श्रेय मानती हैं आप, जो है किसकी इसकी वजह से, किसकी मेहनत से? पापा के। हमारे जनपद के जो भी प्रसिद्धि स्कूल के बच्चे थे उनकी प्रसिद्धि शिक्षा विभाग की तरफ से जो रैली खेल का आयोजन किया गया था उसमें ये बच्चे हमारे स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप प्राप्त किए हैं। उसमें बैडमिंटन में हमें गोल्ड मिला है और जो सोनाक्षी बच्ची है उसे बालिका वर्ग में चैंपियनशिप मिला है, उसने 3 गोल्ड मेडल पाए हैं। उसने 100 मीटर की, 200 मीटर की और लंबी कूद में गोल्ड मेडल पाए हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमें हैंडबॉल में रजत पदक मिला है। ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे विभाग के लिए गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने यहाँ तक पहुँचा और अपना ज़िले का नाम रोशन किया। हापुड़ में सपा नेता को धोलाना SDM ने अपने सुरक्षा कर्मियों से धक्का देकर कार्यालय के बाहर निकलवा दिया, तो वहीं SDM ने सभी आरोपों को नकारा है और वे गलत कार्य के लिए दबाव बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब ऐसे में सपा नेता अपने साथ पक्षपात की बात को कहते हैं। SDM साहब को नाम बताया अपना, बाशी दली सपा समाजवादी नेता, तो जब मैंने समाजवादी नेता का नाम लिया तो तुरंत एकदम मुझ पर भड़क गए, बोले गेट आउट, बाहर जाइए, यहाँ कोई सपा समाजवादी आदमी की नेता की किसी की नहीं सुनी जाती। तब के वो प्रकरण भी नहीं रखा सिकेड़े का मैंने, उन्होंने तभी मतलब जो है अपने गनर वनर बुलवाए सारे, जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे अटसेन हो ये सब तमाम बुलवाए और तभी उन्होंने बाहर निकलवा दिया। हर साल की तरह इस साल भी नववर्ष पर RSS के स्वयंसेवकों ने नगर में मुख्य मार्गों पर पथ संचलन को निकाला, तो वहीं संघ की स्थापना के बाद स्वयंसेवकों ने पहली बार पैंट में इसको पहन कर निकाला, तो साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा से इसका स्वागत किया गया। कोडरमा के डोमचाज में कमल कमेटी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के साथ अन्य पदों पर वोटिंग की गई, तो साथ ही प्रखंड मुख्यालय में 11 सदस्यों टीम ने वोट किया, तो वहीं अध्यक्ष पद पर कुछ विवाद जरूर रहा। बवासीर का पक्का इलाज, खूनी हो या बादी, एक ही टीके में गारंटी के साथ जड़ से खत्म। बवासीर का इलाज अब बिना ऑपरेशन सफलतापूर्वक इंजेक्शन द्वारा कराया जाता है। डॉक्टर AM त्यागी, संपर्क करें 9758415216, 9412803030, MSC क्लिनिक, कमालपुर रोड, गोकलपुर गर्ल रोड, मेरठ।